तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड से जो है वो 9,000 के अप्रोक्स का जो है वो शॉपिंग किया है, और इस अमाउंट को जो है मैं ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ कस्टमर केयर के थ्रू। तो कस्टमर केयर से ईएमआई में कन्वर्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पे कॉल पे आ जाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड का यानी कि कोटक बैंक का जो कस्टमर केयर का नंबर है वो यहाँ पे है। Welcome to Kotak Mahindra Bank's customer contact center. Dear customer, your call is being recorded for internal training, quality and processing purpose. Phone banking officer से बात करने के लिए कृपया आपका CRN और MPIN या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पिन आपके साथ रखें। कृपया कुछ शब्दों में आखिर कॉल करने का कारण बताएं। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे इस CRN के साथ जिसका अंतिम नंबर है। कृपया लाइन पर बने रहें। मैं सहायता के लिए आपकी कॉल कस्टमर केयर ऑफिसर को ट्रांसफर कर रही हूँ। सर, मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था क्रेडिट कार्ड को यूज करके। मेरे पास कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो उस ट्रांजैक्शन को मैं ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ओके। कितने का ट्रांजैक्शन था सर? 13,000 नहीं, 9,000 के अप्रोक्स का होगा। 9,000 का? ये फ्रीचार्ज से आपने? वो भी होगा, और 1,000 रुपीज करके भी दो बार और जो था वो क्रेडिट हुआ है। तो सर, तो इसमें सर टोटल जो है 12,000 आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। सर टोटल मेरा जो स्पेंड है अभी तक वो टोटल 12,000 स्पेंड है। हाँ, 12,600 आप कन्वर्ट करा सकते हैं आप। हाँ, तो सर टोटल को ऐड करके ही एक साथ कन्वर्ट कर दीजिए। कितने महीने के लिए? 12 मंथ के लिए। 12 मंथ के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, लाइन में बन रहेगा, बता देते हैं आपको इसके बारे में। 12,602 रुपए का जो आप अगर 12 महीने के लगाए कराएंगे तो 1,635 रुपए टोटल एक्स्ट्रा जाएगा, और महीने की जो ईएमआई आएगी आपकी वो आएगी आपकी 1,181 रुपए की। हाँ जी। इसमें प्रोसेसिंग फीस कितना लग रहा है सर? जो टोटल आपका जो प्रोसेसिंग फी लग रहा है 231 रुपए लग रहा है आपका। 231, ये कितने परसेंट का था प्रोसेसिंग फीस टोटल अमाउंट पे? टोटल अमाउंट पे नहीं लगता, ये 15 रुपए पर 1,000 लग रहा है आपका। 15 रुपए पर 1,000। हाँ जी। ओके सर। 1.5% समझ लीजिए। 1.5%। हाँ जी। तो ये हमारा बनेगा 1,181 रुपए पर मंथ। तो ओके सर, कर दीजिए इसको ईएमआई में कन्वर्ट। लाइन में बना रहेगा। ठीक है सर, मैंने 12 महीने के लिए आपकी रिक्वेस्ट डाल दी है, और ये आपका विदिन 3 वर्किंग डेज आपका ईएमआई कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। तो फर्स्ट ईएमआई में टोटल कितने अप्रोक्सीमेटली आएंगे? ये जो 1,181 का जो मेरा ईएमआई है वो अमाउंट और प्लस प्रोसेसिंग भी सारा ऐड होके आएंगे? 230 रुपए, यानी 230 रुपए आपका वो ऐड हो गया है आपका, यानी कि 1,300-1,400 के अप्रोक्स आएगा, 1,410 के अप्रोक्स। ओके सर, थैंक यू। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने परसेंट का लग रहा है? इसमें जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग रहा है वो रिड्यूसिंग में 17% का लग रहा है आपका। 17% का पर एनम के हिसाब से? हाँ जी। ओके सर, और इन केस अगर हम इस ईएमआई को एक दो ईएमआई अगर हमारे पास हो जाता है, कभी भी फोरक्लोज करा सकते हैं, फोरक्लोजर का कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। मतलब पोस्ट क्लोज में हमको कोई एक्स्ट्रा जो बाकी का इंटरेस्ट रेट जो होता है उसमें नहीं देना पड़ेगा? नहीं सर। यानी एक दो ईएमआई जितने भी ईएमआई के बाद हम करवाना चाहे? हाँ जी। ओके ओके सर, थैंक यू। और कुछ जानकारी चाहिए? नो सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप दी गई जानकारी संतुष्ट होंगे। कुछ सर्विस में चाहेगा तो रीड कीजिए। ठीक, कोटक महिंद्रा बैंक कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है बड़े आसानी से कस्टमर केयर को कॉल करके जो है उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और अगर आप खुद से ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो ये छोटे छोटे जो अमाउंट होते हैं जैसे कि 52 रुपीज, 208 रुपीज, तो इन सबको आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ 2,500 या फिर ज्यादा का जो अमाउंट होता है जैसे कि ये 9,000 है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कन्वर्ट टू ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे ईएमआई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी अमाउंट को नहीं कर सकते। पर वहीं पर अगर आप कस्टमर केयर से कन्वर्ट करवाते हैं ईएमआई में तो उन सारे अमाउंट को वो ऐड कर देता है और सबको एक साथ 17% के इंटरेस्ट रेट से, यानी कि 17% हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं और सारे अमाउंट को जो है ईएमआई में कन्वर्ट करवा देते हैं। मुझे जो प्रोसेसिंग फीस लगा है वो 231 रुपये लगा है, जो कि 1.5% होता है। तो 1.5% के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस आपका वही 200 से 250 के बीच में जो है वो लग जाता है। बातें कर ले इसके प्री क्लोजिंग चार्जेस की, तो प्री क्लोज में कभी भी करवा सकता हो, एक ईएमआई के बाद या फिर दो ईएमआई के बाद, तीन ईएमआई के बाद जो मेरा अमाउंट बच जाता है पेमेंट करने के बाद, तो उन सारे को मैं एक साथ पेमेंट कर सकता हूँ। उसमें जो है मुझे कोई भी फोर क्लोज चार्जेस जो है वो नहीं देना होता है। दूसरे बैंक में अगर आप फोर क्लोज करवाते हैं अपने ईएमआई को तो उसमें जो है
2 से 3% के बीच में चार्ज करते हैं बैंक वाले, पर कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड में जो फोर क्लोजिंग चार्जेस है वो टोटली फ्री है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।